अगर आपकी ट्रेन का सफर रॉकेट जैसा लगता है तो बधाई हो, आप तो इंडिया की बुलेट ट्रेन में सवार हो गए। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के शिंजो आबे ने अहमदाबाद में भारत की पहली बुलेट ट्रेन की नींव रखी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का लक्ष्य है कि 7-8 घंटे का सफर सिर्फ 2-3 घंटे में पूरा हो जाए। सोचिए 320-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12 स्टेशनों से गुजरने का मजा। 8,10,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जापान से बड़ा सहयोग मिला है। 88,000 करोड़ रुपए का लोन बहुत ही कम 0.1% सालाना ब्याज पर, 15 साल की ग्रेस पीरियड के साथ यह लोन 50 सालों में चुकाया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, यह आर्थिक विकास की भी बात है। नए इंडस्ट्रियल हब, रोजगार के मौके और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ये सब कुछ होने वाला है। निर्माण के दौरान 20,000 नौकरियां और लॉन्च के बाद 4,000 स्थायी रोजगार मिलेंगे। साथ ही 16,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी। जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से चलने वाली भारत की बुलेट ट्रेन एक सुरक्षित, तेज और स्मार्ट यात्रा का वादा करती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यात्रा का भविष्य बस आने ही वाला है।